बॉलीवुड की हॉट बोल एक्ट्रेसेस में रिया सेन की गिनती भी जरूर की जाती है। अपनी अदाओं से फैंस का दिल जीतना जानती है वो। आज रिया सेन का जन्मदिन है और उनके इस खास दिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ नॉट सो पॉपुलर बातें बताने जा रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि साल 2000 में फिल्म स्टाइल से बतौर एक्ट्रेस फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने वाली रिया दरअसल 1991 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही पर्दे पर उतर चुकी थी। वो अभिनेत्री रायमा सेन की छोटी बहन है। आपको ये भी बता दें, क्या आपको मालूम है कि रिया सेन रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं? जी हाँ, रिया सेन के पिता देव वर्मा इला देवी के बेटे थे। इला देवी एक महारानी थी तो इस हिसाब से रिया भी राजा महाराजाओं के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा रिया हिंदी और बंगाली फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस मुनमुन सेन की बेटी है। रिया ने हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है। रिया लास्ट साल 2020 में आई सीरीज पति पत्नी और वो में नजर आई थी। उनकी हिट फिल्मों में स्टाइल, झंकार बीट्स और अपना सपना मनी मनी जैसी फिल्में शामिल हैं। वैसे बता दें कि रिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। उनका क्रिकेटर सुरेश अश्मत पटेल जैसे कई सेलेब्स के साथ नाम जुड़ा है। रिया सेन ने अपने बॉयफ्रेंड शिवम तिवारी से 2017 में एक निजी समारोह में शादी की थी। रिया अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते काफी सुर्खियां बटोरती है। रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद था एक्टर अश्मित पटेल के साथ उनका MMS लीक होना। इस वीडियो में वो अंतरंग होकर एक दूसरे को किस करते नजर आए थे। 2005 में रिया और अश्मित रिलेशनशिप में थे। उस दौरान रिया की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। लोगों का आरोप था कि पब्लिसिटी के लिए रिया ने खुद अपना ये वीडियो लीक करवा दिया, मगर दोनों ने इस वीडियो को फेक बताया था। उम्मीद है कि रिया सेन से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। भारत की ऐसी हस्तियों के बारे में ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।